सिचुएशन ऐसी है कि आज शादी का दिन है और इसने लड़ झगड़ के 2 दिन में शादी की बात तो कर ली और शादी की तैयारी भी कर दी, पर आज के दिन जो कि शादी का दिन है उस दिन आ गया है तूफ़ान, बहुत भयंकर तूफ़ान आ गया है और पूरे उज्जैन में पानी भरा हुआ है। लोगों को बोल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको घर पे रहना चाहिए, आप बाहर मत निकलिए, आपके जान का धोखा हो सकता है, ये सब चीज़ें बोल दी गई हैं उनको। पर मानव ज़िद्दी है और उसने बोला है कि आज ही शादी करनी है, इसलिए कैसे भी करके वो मतलब गाड़ी अरेंज करके सब अरेंज कर करवा के वो यहाँ पहुँचा है। और यहाँ पहुँचने के बाद उसे पता लगा है कि सब लोग पहुँच गए, सावी नहीं पहुँचे। तो वही सीन चल रहा है कि शादी की तैयारियाँ सब हो चुकी हैं, सब पहुँच चुके हैं, पर सावी नहीं पहुँची, तो सावी है कहाँ, यही बातें चल रही हैं। सावी नहीं आ रहे का कारण अभी तक तो किसी को पता नहीं है, अभी तक जो भी हमने सीन शूट किया उसमें अभी तक किसी को पता नहीं कि सावी क्यों नहीं आई है। अभी तक तो यही नहीं पता कि सावी गई कहाँ पर है, क्योंकि गाड़ी आई, सब कुछ हुआ और सावी गायब है। सब जब ढूंढने गए, अनन्या ढूंढने गई, मामा जी ढूंढने गए, तो सावी नहीं मिली, मतलब सावी गायब है, घर पे है ही नहीं। तो सावी है कहाँ पर, यही दिक्कत चल रही है। पर कहीं तो है, बाहर निकली है, सत्य प्रसाद लेके निकली है, तो कहीं तो बाहर है। और इसकी वजह से 2 तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और 2 तरीके की डिफ़िकल्टीज और ट्रबल्स क्रिएट हो गए हैं। वो ये कि पहला कि भाई सावी आई नहीं, दुल्हन ही नहीं आई है तो शादी कैसे होगी, और दूसरी बात ये दुल्हन नहीं आई है और नित्यम वापस शहर में आ गए, तो क्या वो नित्यम से मिलने गई है या सावी बाहर है और बड़ा ख़राब मौसम है, क्या वो कहीं फंस गई है, उसको कुछ दिक्कतें हैं या वो किसी दिक्कत में फंसी हुई है ऐसे मौसम में, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसे सब तरीके के स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं और उनको सॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसको फ़ोन लगाया जा रहा है पर वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो ऐसा एक मुसीबत मतलब मुश्किल से एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ड्रेस बहुत कम्फर्टेबल है और ड्रेस बड़ी खूबसूरत भी है, पर एक दिक्कत है क्योंकि हम शादी का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं तो ड्रेस पूरी गीली भी है, एक वो ही दिक्कत है। बाकी तो बड़ा फन है, मतलब बड़ा ही कूल गेटअप है, मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, स्पेसिफिकली साफा और इसका लाल ब्रोच और लाल ये जो चीज़ें लाल लाल रखी हैं, दो एक कलर दिया है वाइट में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैं मानसून बहुत इन्जॉय करता हूँ, पर अगर मैं घर बैठा हूँ तो घर बैठा हूँ या बारिश में नहा रहा हूँ तो मज़ा आता है मानसून में, वरना मुंबई का मानसून थोड़ा सा मुश्किल है। जब आपका रोज़ का ट्रैवलिंग जो 50 मिनट 1 घंटे का था, जब वो खींच के 1.5 घंटा 2 घंटा पहुँच जाता है तो थोड़ा ज़ोर भी आता है। तो मैं बेसिकली इन्जॉय करता हूँ मानसून को, पर घर पे बैठ के, घर बैठो आराम से, पकौड़े वकौड़े खाओ, चाय वाय पियो, चिल करो, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखो, ऐसा चिल करते हैं। हाय, मैं हूँ ऋषि सक्सेना और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर पे। जितने भी फैंस हैं सावी की सवारी के, जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ गालियाँ भी दे रहे हैं कि भाई दूर हो जाओ नित्यम और सावी की ज़िंदगी से, जैसा मैंने पहले कहा था, घूम फिर के मानव बनेगा क्यूपिड ही, भले किसी भी तरीके से बने, भले वो कुछ बुरा करके बने या अच्छा करके बने, पर बनेगा क्यूपिड ही। सो डोंट वरी, आपके लिए खूब सारी सरप्राइजेज जो हैं वो प्लान्ड है आगे जो आपको मिलने वाले हैं शो में। सो कीप वॉचिंग सावी की सवारी। आई एम श्योर कि आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शो से वो सब कुछ मिलने वाला है आपको इन आने वाले एपिसोड्स में।